सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से कि कहानी का वो दौर देखने के लिए तैयार हो जाए जिसका इंतजार आप सभी बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं, यानी कि अनुभव और गुनगुन की शादी। जी हाँ, बता दें आपको, बहुत जल्द इन दोनों के शुभ विवाह का ट्रैक देखने के लिए मिलेगा, जहां अनुभव और गुनगुन एक दूसरे से शादी करेंगे और साथ ही इनके बीच की सारी गलतफहमियां हो जाएंगी दूर। तो अब इंतजार रहने वाला है इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का। अपने परिवार के सामने अब अनुभव करने वाला है गुनगुन को सपोर्ट। सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गुनगुन को एक्सीडेंट से बचाने के बाद अनुभव उसे सीधा अपने घर लेकर आएगा। जी हाँ, डॉक्टर रिदेश के यहाँ ना जाकर जल्दबाजी में और गुनगुन का अच्छा ख्याल रखने के लिए अनुभव उसे अपने ही घर पर ले आएगा। इसके बाद घर के सभी लोग अनुभव से कहेंगे कि भला तुम गुनगुन को यहाँ क्यों लेकर आए हो, स्पेशली अनुभव के बड़े पापा। तब अनुभव उनसे कहेगा कि इस वक्त जिस दौर से ये गुजर रही है, ऐसे में इसका अकेले रहना ठीक नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि इसकी देखभाल हमारे ही घर में की जाए, वरना लोग कहेंगे कि हमने एक लड़की को यूं ही छोड़ दिया। अगर गुनगुन को कुछ भी हो जाएगा तो उसका सारा इल्जाम हमारे सर पर आएगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। हालांकि अनुभव के दिल की फीलिंग्स अलग हैं, वो जेन्युइनली गुनगुन का ख्याल रखने के लिए उसे कुलश्रेष्ठ हाउस लेकर आया है। वहीं दूसरी ओर अब आप देखने वाले हैं कि गुनगुन को कुलश्रेष्ठ परिवार का हिस्सा होते देख आकृति का गुस्सा फूट पड़ेगा। अगले दिन जब हल्दी सेरेमनी होगी तब आकृति गुनगुन को देखकर आंख बबूला हो जाएगी और पूछेगी कि तुम इस घर में क्या कर रही हो, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ और तुम पहले ही यहाँ पर आ गई। तब सब लोग बताएंगे कि रात में गुनगुन का एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से उसे हम यहाँ ले आए हैं। ये सुनकर तब तो आकृति कुछ नहीं बोल पाएगी, लेकिन मन ही मन वो बहुत उखड़ रही होगी। तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुभव और गुनगुन एक ही छत के नीचे रहते हुए अपनी गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे। क्या गुनगुन को मौका मिलेगा एक बार फिर से कुलश्रेष्ठ परिवार का दिल जीतने का? अब यही इनसिक्योरिटी आकृति के दिल में बनी हुई है कि अगर गलती से भी उसकी पोल खुल गई और अनुभव और उसके परिवार को पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आकृति और माया बराबर के हिस्सेदार हैं, तो क्या होगा? Well, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आकृति ने गुनगुन को अनुभव और उसके परिवार की जिंदगी से निकालने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। गुनगुन को एक नजर नहीं देख सकती आकृति, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस बार उसका पागलपन इस कदर बढ़ चुका है कि वो गुनगुन की जान लेने से भी नहीं चूकेगी। दरअसल शादी वाले दिन गुनगुन को आकृति और माया की प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि गुनगुन इन दोनों को बातें करते हुए सुन लेगी और यहीं से शुरू होगा सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी का वो महा ट्विस्ट जो अनुभव और गुनगुन को करीब लेकर आएगा। दरअसल अनुभव और आकृति की शादी वाले दिन माया भी इस शादी में शरीक होगी, और जब माया आकृति से अकेले में मिलने जाएगी तो ये दोनों उन पुरानी बातों को करेंगे जिनकी वजह से गुनगुन और अनुभव का रिश्ता टूटा है। अब इन सारी बातों को सुन लेगी गुनगुन और इन दोनों को फेस करेगी, जहां गुनगुन माया और आकृति से कहेगी कि मैं आप दोनों का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। ये सुनकर आकृति को बहुत गुस्सा आएगा और वो कुछ लोगों की मदद से, कुछ गुंडों की मदद से गुनगुन को शादी में से किडनैप करवा लेगी। वेल, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गुनगुन इस मुसीबत से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएगी। क्या वक्त रहते गुनगुन अनुभव और उसके परिवार को आकृति का असली चेहरा दिखा पाएगी? कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी, देखना दिलचस्प होने वाला है। अनुभव और आकृति के संगीत में से आने के बाद गुनगुन का दिल पूरी तरह टूट चुका है। ऊपर से घर आकर माया की बकबक ने बेचारी गुनगुन को और परेशान कर दिया। सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि अपने घर वापस लौटने के बाद गुनगुन को माया खूब सुनाएगी और उसे बार बार अनुभव और आकृति की शादी को लेकर टॉर्चर करने लगेगी। इसी बीच डॉक्टर रिदेश माया को समझाने की खूब कोशिश करने वाले हैं, लेकिन माया अपनी ही धुन में सवार
अपनी बातों पर लगाम नहीं लगाएगी, जिसकी वजह से गुनगुन बहुत हर्ट हो जाएगी। साथ ही आप देखने वाले हैं कि गुनगुन गाड़ी की चाबी उठाकर रात के अंधेरे में निकलने वाली है और इसी के साथ हार्श ड्राइविंग करते हुए गुनगुन का एक्सीडेंट हो जाएगा। गुनगुन कहाँ गई है, किसके पास गई है, इस बारे में कोई नहीं जानता और इसीलिए परेशान होकर डॉक्टर रितेश गोलू चाचू को फोन लगाएंगे और कहेंगे कि एक बार वो गुनगुन से बात करें, क्योंकि गुनगुन गोलू चाचू की बात जरूर मानेगी। तब गोलू चाचू गुनगुन को लेकर बहुत परेशान हो जाएंगे। जब कुलश्रेष्ठ परिवार को इस बारे में पता चलेगा तो अनुभव कहेगा कि वो जरूर ब्रेकअप पार्टी करने के लिए गई होगी, उसे कुछ नहीं होगा। तभी गुनगुन के एक्सीडेंट की खबर बहुत ही बुरा संदेश लेकर आएगी। बता दें आपको कि हर कोई चौंक जाएगा जब कि सबको ये पता चलेगा कि गुनगुन की कार का एक्सीडेंट हो गया है, खुद अनुभव भी, बल्कि वही सबसे पहले दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचेगा जहां गुनगुन की कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अनुभव किस तरह से गुनगुन की जान बचा पाता है। अब ये दर्दनाक एक्सीडेंट गुनगुन और अनुभव के बीच की दूरियों को मिटा पाने में कामयाब होगा या फिर इनके बीच बढ़ रही गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में अब आप देखने वाले हैं एक और नया ट्विस्ट आते हुए। अब तक आपने अनुभव और गुनगुन की शादी में बहुत सारा ड्रामा देखा। माया की जालसाजी की वजह से अनुभव और गुनगुन की शादी टूट गई, लेकिन वक्त आ गया है इन सभी विलन्स का पर्दाफाश होने का और इसका बेड़ा उठाया है खुद गुनगुन ने। सबसे पहले तो गुनगुन माया को उसके किए की सजा देगी और इसी दौरान उसे पता चलेगा कि माया ने उस पार्टी में जो कुछ भी किया वो उसकी अकेले की प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं थी। उस प्लानिंग में शामिल थी आकृति। आकृति के साथ पूरी सोची समझी साजिश रची थी माया ने। अब ये सच्चाई पता चलने के बाद गुनगुन ठान लेगी कि वो आकृति का असली चेहरा कुलश्रेष्ठ की फैमिली को दिखाने वाली है। इसीलिए अनुभव और आकृति की शादी के मंडप पर गुनगुन पहुंचेगी और करेगी बड़ा तमाशा। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यह ब्राइड स्वैपिंग एपिसोड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अनुभव के गोल चाचू और उसके दोनों भाई और भाभी ये दोनों तीनों ही मिले हुए हैं गुनगुन।